नमस्कार। आज हम लंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लंग लकार का मतलब क्या होता है। लंग लकार का प्रयोग बच्चों भूतकाल के लिए किया जाता है। भूतकाल जो समय बीत गया हो उसको हम लंग लकार के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो आइए अब हम हमारा अध्ययन शुरू करें। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। लंग लकार प्रथम पुरुष के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय तथा उनके साथ प्रयुक्त होने वाले संज्ञा सर्वनाम इस प्रकार है। इसमें विभक्त वचन दिए हुए हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अपठत एकवचन, अपठताम द्विवचन, अपठन बहुवचन। जैसे सह अपठत, उसने पढ़ा। ताऊ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। संज्ञा में जैसे एकवचन में बालकः बालिका मित्रम, द्विवचन में बालकाउ बालके मित्रे, बहुवचन में बालकाः बालिका फलानी, और सर्वनाम में एकवचन में सह सा तत्, द्विवचन में ता ते, बहुवचन में ते ताह तानी का प्रयोग होता है। अब हम प्रथम पुरुष का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वाक्य में यह समझेंगे। सा कन्या अवदत, सा यानी वह कन्या कह रही है। ते बालिके अहसताम, वे बालिकाएं हंस रही है। ताहा बालिका अपठन, वे सब बालिका पढ़ रही है। तो इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि सा ते ताहा ये सब स्त्रीलिंग के वचन हैं, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। अब आगे देखते हैं। सह बालकः अत्रत, वह बालक तैरता है। ताऊ नायकौ अन्यताम, वे बालक नाचते हैं। ते बालकः अखादन, वे सब खाते हैं। इसमें देखो सह ताऊ ते ये सब पुल्लिंग के वचन हैं, यानी कि ये बालक जो हैं यह पुल्लिंग है, इसलिए इनमें सहताऊ ते का प्रयोग किया गया है। तत् मित्रम उपहारम आनयत, तत् उसने मित्र के लिए उपहार लाया। ते मित्रे अगायताम, वे दोनों मित्र गा रहे हैं। तानी फलानी अपतन, पेड़ से फल गिर रहे हैं। तत् ते तानी, ये नपुंसकलिंग है, यानी कि निर्जीव के लिए तत् ते तानी का प्रयोग किया गया है। सह कार्यम अकरोत, वह कार्य कर रहा है। तौ कार्यम अकुरुताम, वे दोनों कार्य कर रहे हैं। ते कार्यम अकुर्वन, वे सब कार्य कर रहे हैं। सा गायिका आसित, वह गाना गा रही है। ताउ सुकौ वृक्षे आस्ताम, वे दोनों वृक्ष पर बैठे हैं। कौन? तोते, सुकौ मतलब तोता। ते उद्याने आसन, वे उद्यान में आए हैं। सुकह काकह च, किस्मिचित वृक्षे एकह काकह एकह सुकह च अवश्यताम, किसी वृक्ष में एक कौवा एक तोता रहता था। तयोः मध्ये धनिष्ठा मैत्री आसीत, उन दोनों के मध्य में बहुत घनी मित्रता थी, यानी कि अच्छे फ्रेंड थे। सुकह सर्वदा आत्मानं सुंदरम, जो तोता था वह सर्वदा हमेशा ही ऐसे सोचता था कि मैं
बहुत सुंदर हूँ। अतः सह सर्वदा काकम उपहसत, वह हमेशा ही कौवे पर हंसता रहता था। उसको मतलब उसको ऐसे फील कराता था कि तुम काले हो, सुंदर नहीं हो। एतस्मात् कारणात् काकः अति खेदम अनुभवत्। इससे क्या है कि ना कौवे को बहुत बुरा लगता था। एकस्मिन् दिने काकः सुकः च मिलित्वा आहारम्। एक दिन दोनों मिलकर आहार ढूंढने के लिए गए। अन्वेष्टुम् कश्चन गामः प्रविशताम्। उनको रास्ते में गांव दिखा जहां वो रुके। ग्रामे एकः कृषकः अवसत्, वहां एक कृषक निवास करता था। काकः तु कृषकस्य गृहं परितः विद्यमानान् कीटान् आहार कारणं च अखादत्। यानि वो जो कौवा था कृषक के घर के बाहर जो कीटाणु थे, जो मतलब जानवर और थे छोटे छोटे, उसको आहार समझकर खाने लग गया। सुकः तु आम्र वृक्षम आरुहय फलम अखादत्। जो तोता था वह पेड़ आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को खाने लगा। तदा कृषकः तस्मिन् सुके पाषाण खंडम अशिपत। यानी कि वो जो किसान था उसने पत्थर से उस पर निशाने लगाने लगा, उस तोते को भगाने की कोशिश करने लगा। भवान ताम कुरुतम काकः त्यक्त्वा सुंदरम मां किमर्थ ताड्यति। तो वह कहता है कि वो जो कौवा है वह बदसूरत है और मैं सुंदर हूँ, तो तुम मुझे ही क्यों मार रहे हो या परेशान कर रहे हो। तो भवान मम फलानी नाश्यति, पर काकः तु मम परिसरम स्वस्ति करोति। वह कहता है कि तुम मेरे फल खाकर मेरा नाश कर रहे हो, मेरे फलों का नाश कर रहे हो, पर जो कौवा है वह मेरे आंगन को साफ कर रहा है। भवतः सौंदर्य शरीरम एव मम तु कार्यः। शरीर से सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, कार्य से सुंदर होना चाहिए। सुकः स्वस्यः दोषं स्वीकृतवान् काकः च क्षमाम् अयाचत। उसने अपने जो गलत काम किया उसको स्वीकार किया, अपने दोस्त को स्वीकार किया और कौवे से माफ़ी मांगी।